स्टिकी टेक्स्ट, तो मैं इनको ऊपर लेके जाऊं या नीचे लेके जाऊं या लेफ्ट लेके जाऊं या राइट, कैसे भी लेके जाऊं, ये मेरे हमेशा हाथ के साथ ही रहेंगे। इसे ही कहते हैं स्टिकी टेक्स्ट या फिर ट्रैकिंग। ट्रैकिंग सिर्फ इतना ही काम नहीं करती कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कोई टेक्स्ट ऐड कर लो, इसकी हेल्प से आप अपने फेस पर भी कुछ लगा सकते हो। मैं इधर मूव करूं कि इधर मूव करूं, तो कहीं भी मूव करूं मेरे फेस के साथ कोई भी आइकन, कोई भी फोटो, कोई भी टेक्स्ट मैं लगा सकता हूं। ये होती है ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग करने के लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके बैकग्राउंड से मैच नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपका ऑब्जेक्ट ब्राइट है तो बैकग्राउंड ब्राइट नहीं होना चाहिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट डार्क है तो बैकग्राउंड डार्क नहीं होना चाहिए। बेसिकली दोनों चीजों में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए जिससे ट्रैकिंग इजी पड़े। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा, मेरे पास एक ये चीज है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये रेड है और हमारे बैकग्राउंड में कहीं भी रेड नहीं है, और ये जो रेड है ये मेरी बॉडी में भी नहीं है ना मेरे कपड़ों में। तो इससे आपको आइडिया पड़ गया होगा कि आपको वो कलर लेना है, वो कॉन्ट्रास्ट लेना है जो आपके बैकग्राउंड के साथ या फिर आपके बॉडी के साथ मैच नहीं करता है, जिससे ट्रैकिंग जो है वो ज्यादा इजी पड़े। अभी क्लियर हो गई सारी चीजें। अब हम करते हैं ट्रैकिंग हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और आज हमें देखना है ट्रैकर, तो फटाफट से हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी क्लिप ऐड करनी है अपनी टाइमलाइन के अंदर, जिसके अंदर आपको ट्रैकिंग करनी है। मैंने ये वाली क्लिप ऐड कर ली क्योंकि मुझे इसके अंदर ही ट्रैकिंग करनी है। सीधा सीधा आपको क्या करना है, क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा होगा ओपन इन फ्यूजन पेज, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब हमारा फ्यूजन पेज आ गया, तो यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही है, ये दोनों नोड्स है। कौन से नोड्स है, ये है मीडिया इन और ये है मीडिया आउट। मीडिया इन होता है कि ये हमारी वीडियो है जो हम फ्यूजन को दे रहे हैं। मीडिया आउट वो होता है, ये हमारा फाइनल आउटपुट है जो फ्यूजन हमें दे रहा है। अब इन दोनों के बीच में हमारी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आपको इफेक्ट डालना है इफेक्ट डालो, ट्रैकर डालना है ट्रैकर डालो, कलर ग्रेडिंग करनी है वो, बेसिकली जो भी आप काम करोगे इन दोनों नोड्स के बीच में ही करोगे। अब कैसे करेंगे, शुरू कर लेते हैं। आपको सबसे पहले मीडिया इन को सेलेक्ट करना है। अब अपने कीबोर्ड पे आपको शिफ्ट एंड स्पेस बार दबाना है। जैसे आप दबाओगे आपके सामने सेलेक्ट टूल का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां से आपको सेलेक्ट करना है टूल, कौन सा टूल सेलेक्ट करेंगे, हम करेंगे ट्रैकर, तो TRACKER, हमने ट्रैकर सेलेक्ट किया। अब इन सभी ट्रैकर में से आपको ट्रैकर ही सेलेक्ट करना है जो नीचे वाला है, और यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आपने देखा यहाँ पर हमारा ट्रैकर ऐड हो गया, किसके बाद, मीडिया वन के बाद ऐड हुआ है, ठीक है। इसको हम बीच में रख लेते हैं। अब थोड़ा सा इंटरफेस को देखते हैं, लेफ्ट साइड में भी डिस्प्ले है राइट साइड में भी डिस्प्ले है, बट लेफ्ट में कुछ दिख नहीं रहा, राइट में हमें दिख रहा है। राइट में इसलिए दिख रहा है जो हमारा मीडिया आउट है, यहाँ पर नीचे आप देखोगे दो डॉट्स हैं, तो इन दोनों डॉट्स में से राइट वाला डॉट जो है वो व्हाइट कलर का है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि राइट वाले डिस्प्ले में हमारी मीडिया आउट दिख रही है क्योंकि राइट वाला डॉट हमारा व्हाइट है। वहीं पर अगर हम लेफ्ट वाला डॉट व्हाइट कर देंगे क्लिक करके, वहां पे जाओ उस डॉट पे क्लिक करो तो वो व्हाइट हो जाएगा और लेफ्ट में हमारी स्क्रीन दिखने लग जाएगी। अब हम देखेंगे मीडिया आउट हमारा लेफ्ट में भी दिख रहा है और राइट में भी दिख रहा है, लेकिन हमें दोनों में नहीं चाहिए, तो हम लेफ्ट वाला हटा देते हैं दोबारा क्लिक करके। और जो ट्रैकर है इसमें भी सेम दो डॉट दिख रहे हैं, तो हम लेफ्ट वाले डॉट पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि हमें ट्रैकर पे काम है जो हमें लेफ्ट में देखना है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कुछ है ना, तो यही हमारा ट्रैकर का टारगेट पॉइंट होता है। अब आपको क्या करना है, ये जो दो बॉक्स है, एक डॉटेड बॉक्स है एक प्लेन बॉक्स है, इसके अंदर एक छोटा सा और बॉक्स होगा बहुत छोटा, इस बॉक्स को आपको पकड़ना है, क्लिक करना है और नीचे लेके आना है। अब आप देखो आपको समझ नहीं आ रहा कि ये जा कहाँ रहा है। अब आप अपने राइट साइड वाले डिस्प्ले में देखो, अब उस ट्रैकर को हमें नीचे लेके जाना है जिस चीज को हमें ट्रैक करना है। तो मुझे अपना ये वाला सब्जेक्ट ट्रैक करना है जो रेड कलर का है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास जो रेड कलर की चीज है वो बहुत अच्छी है क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में कुछ रेड नहीं है, हमारे फोरग्राउंड में कुछ नहीं है, हमारी स्क्रीन पर कहीं भी कुछ रेड नहीं है, तो इसको ट्रैक करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा एरिया लेंगे हमारे सब्जेक्ट का, तो इस बॉक्स को बड़ा करने के लिए आपको बॉक्स के कोने में आना है, क्लिक करके बड़ा कर लेना है, उसको बस ड्रैग करना है ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। और ये जो बाहर वाला डॉटेड बॉक्स है इसको भी आपको बड़ा करना है, सेम तरीका, किसी कोने में आना है क्लिक करके बड़ा कर लेना है। अब ये होता क्या है, बाहर वाला बॉक्स और अंदर वाला बॉक्स, अंदर वाला बॉक्स हमें उसी चीज के ऊपर रखना है जो हमें ट्रैक करनी है, पर बाहर वाला बॉक्स हम थोड़ा सा बड़ा करके बना सकते हैं कि इन केस हमारा ट्रैकर मिस हो जाता है हमारे ओरिजिनल सब्जेक्ट से, तो फिर थोड़ा इधर उधर देख सकता है, बेसिकली इस बॉक्स के अंदर वो ढूंढ सकता है कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ चला गया। बट इसको ज्यादा बड़ा मत कर देना बॉक्स को, थोड़ा सा ही बड़ा करना है, ठीक है। ये हमने बॉक्स को बना लिया हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, तो रेड कलर का जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें राइट में आना है। अब राइट में देखोगे पॉइंट वन दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको एक बॉक्स के अंदर पूरा पूरा हमारा टारगेट दिख रहा है। अब इस पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, नीचे आप देखोगे आर जी बी और उसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं, तो आर इज रेड, जी इज ग्रीन, बी इज ब्लू और ये है अल्फा, ये है ल्यूमिनस
मेंटेनेंस और ये है ऑटोमेटिक। तो इनमें से आपको सबको सेलेक्ट करके देखना है ये जो आपकी इमेज है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट कौन से वाले पॉइंट में आपको दिखता है। आर पे क्लिक करते हैं तो ये बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया तो कॉन्ट्रास्ट नहीं दिख रहा। जी पे करते हैं तो काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। बी पे करते हैं तो ये भी काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट है। अगर हम अल्फा पे करें तो ये बिल्कुल ही व्हाइट हो गया। अगर हम ल्यूमिनेंस पे करें तो वो भी इतना अच्छा नहीं है। ऑटोमेटिक पे करें तो ये आपका ऑटोमेटिक बेसिकली जो कलर है वही दिखाना शुरू कर देता है ओरिजिनल इमेज। तो हम क्या करते हैं बी पर क्लिक कर लेते हैं। बी इज ब्लू क्योंकि ब्लू में सबसे ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट हमें दिख रहा है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको ऊपर आना है। यहाँ पर आप देखोगे कुछ चीजें आपको दिख रही है। सिंपली आपको देखना है अपना प्लेहेड कहाँ पर है। तो प्लेहेड हमारा सेंटर में है यहाँ पर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें राइट में भी ट्रैक करना पड़ेगा और लेफ्ट में भी ट्रैक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर राइट वाला जो बटन है प्ले का इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसको होने के बाद जो लेफ्ट वाला प्ले बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ दोनों को फटाफट से ट्रैक कर लेता हूँ और आपको सीधा ट्रैक करने के बाद की पोजीशन दिखाता हूँ। तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा। तो जैसे आपकी ट्रैकिंग कंप्लीट होती है तो स्क्रीन पर कुछ सॉरी मैंने वीडियो पॉज कर दी है। एक छोटी चीज बतानी है। आई होप ये जो मैंने बताया आपको सब समझ में आ रहा होगा। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है डाविंची रिजॉल्व की। अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ऊपर आई बटन पे भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा तो आप जाके देख सकते हो। इसी के साथ मैंने एक वीडियो एडिटिंग कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है कि अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता और आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हो तो कोर्स की डिटेल्स के लिए भी ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा। उसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है तो भी आप देख सकते हो। अब कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे आपकी ट्रैकिंग कंप्लीट होती है तो स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का मैसेज आ जाएगा रेंडर कंप्लीटेड। आपको सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखोगे जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रही लाइन ये की फ्रेम्स हैं। तो बेसिकली हमारे ट्रैकर ने सारी की फ्रेम्स लगाए हैं जितनी ज्यादा मूवमेंट हमारी वीडियो के अंदर हुई। और यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ये पूरा ट्रैक हुआ है हमारा सब्जेक्ट। तो आप प्लेयर को आगे पीछे करके देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से ट्रैक हो चुका है। तो इसे कहते हैं ट्रैकर जिससे ट्रैकिंग होती है। अब हम क्या करेंगे अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लगा सकते हैं। तो टेक्स्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है ट्रैकर को ही सेलेक्ट करना है। ये आपका ट्रैकर ही सिलेक्टेड रहना चाहिए और उसके बाद आप यहाँ पर आओगे जो टी लिखा हुआ है ना ये हमारा टेक्स्ट होता है। सिंपली इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे टेक्स्ट एड हो गया है एक मर्ज नोड के साथ। तो मर्ज नोड बहुत जरूरी होती है जब भी आप कोई इफेक्ट एड करते हो एक्स्ट्रा। अब हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं जो टेक्स्ट है वो मर्ज नोड के साथ कनेक्टेड है ना कि हमारे ट्रैकर के साथ। और टेक्स्ट हमें लगाना है हमारे ट्रैकर के अंदर तो इसलिए हम क्या करेंगे ये जो लाइन जा रही है ना ये जो मर्ज के साथ कनेक्ट कर रही है हमारे टेक्स्ट को सिंपली उसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव कैसे करेंगे हम आएंगे इस लाइन के ऊपर और सिंपली राइट साइड वाले एरिया में क्लिक कर देंगे। तो हमारी लाइन यहाँ से हट चुकी है। सिंपली इस वाले बॉक्स को हम ट्रैकर के अंदर जाके छोड़ देंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। अब इस वाले टेक्स्ट नोड को हम ऊपर कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा ज्यादा इजी लगे हमें देखने में थोड़ी आसानी पड़े। अब इस टेक्स्ट के अंदर आपको जो लिखना है वो लिख लो। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। राइट साइड में हम आएंगे तो हमारे इंस्पेक्टर पैनल में पहले से ही टेक्स्ट सिलेक्टेड है सेटिंग्स खुली हुई है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और कुछ भी लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं सैंपल। ठीक है तो हमने सैंपल लिख लिया। अब आप नोटिस करोगे ये सैंपल जो मैंने लिखा है ये हमारे डिस्प्ले पे तो कहीं दिख ही नहीं रहा। हमें सिंपली ट्रैकर के ऊपर ही क्लिक करना है। ट्रैकर सेलेक्ट करने के बाद आपको ट्रैकर की सेटिंग्स में आना पड़ेगा। राइट साइड में आ जाओ। राइट साइड में आने के बाद आपको ऑपरेशंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर एरो को क्लिक करके आपको मैच मूव पे क्लिक करना है। ठीक है जैसे हम क्लिक करेंगे आप देखो यहाँ पर सैंपल लिखा हुआ आ गया। अब हमें बस इस सैंपल की पोजिशन को चेंज करना है। तो हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे दोबारा और अब हम क्या करेंगे चाहे हम राइट वाले डिस्प्ले से काम कर लें चाहे हम लेफ्ट वाले डिस्प्ले से काम कर ले वो दोनों से ही काम हो जाएगा। तो हम लेफ्ट से कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक ऊपर एरो जा रहा है एक राइट में एरो जा रहा है क्योंकि अगर आप एरो पे क्लिक करोगे तो ये सिर्फ ऊपर नीचे जाता है और इस वाले एरो पे क्लिक करोगे तो सिर्फ राइट लेफ्ट जाता है। बट अगर आप इस बॉक्स पे क्लिक करोगे जो छोटा सा है तो आप कहीं भी मूव कर सकते हो ये बेस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर लाके इसको छोड़ देंगे। अब आपको अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है कलर चेंज करो इसकी साइज चेंज करनी है साइज चेंज करो इसका फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट चेंज करो ये सब आपको राइट साइड में मिल जाएगा जो हमने टेक्स्ट की क्लास में सब देख लिया था। इनकेस आपने वो क्लास मिस कर दी है तो ऊपर आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं अब वीडियो को प्ले करके देखते हैं। अब हम प्ले हेड को पीछे लेके जाएंगे और अब देखो तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो सैंपल लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट हमारे सब्जेक्ट के साथ मूव।
इसे ही हम ट्रैकिंग कहते हैं। तो ये तो हो गया, आप टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हो अपने सब्जेक्ट के साथ और उसे ट्रैक कर सकते हो। सेकंड, अब देखते हैं कि किस तरीके से आप कोई इमेज भी ऐड कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को यहाँ से हटा लेते हैं, सिंपल लाइन पे क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा, साइड में रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई भी इमेज सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो हम कोई फोल्डर खोल लेते हैं और यहाँ से एक इमेज रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ सीधा। आपको फोल्डर से सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने वर्क स्पेस के अंदर। अब हम इसको ऊपर रखते हैं। अब इस वाले नोड के राइट साइड वाले बॉक्स को पकड़ के ड्रा करके अंदर डाल दो, तो यहाँ पर आ गया। अब आपको इसकी पोजीशन चेंज करना, तो पोजीशन चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसके लिए हमें एक और नोड ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म नोड। तो आपको इस वाले नोड को ही सेलेक्ट करना है जो हमारी इमेज वाला नोड है। अब शिफ्ट एंड स्पेस बार दबाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म आपको दिख गया, एड कर दो। तो नीचे आप देखो एक ट्रांसफॉर्म नोड भी एड हो गया। अब हम ट्रांसफॉर्म नोड को सेलेक्ट करेंगे और वापस हम देखेंगे वही सेम एरो आ गए, ऊपर वाला और साइड वाला। तो बीच वाले आपको बॉक्स को सेलेक्ट करना है और पकड़ के इसके ऊपर रख देना है जो हमारा सब्जेक्ट है। अभी थोड़ा सा साइज में अगर बड़ा करना है तो क्या करोगे, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ग्रीन कलर का, किसी भी कोने में आओगे, पकड़ के ड्रैग कर लो, वो बड़ा भी हो जाएगा। अब हम प्ले करके देखते हैं इसको कि क्या हमारी इमेज भी ट्रैक हो रही है साथ साथ में। तो इसको पीछे लेके आते हैं, प्ले करते हैं। तो देखो अब हमारी इमेज भी ट्रैक हो रही है हमारे सब्जेक्ट के साथ। तो यही होता है ट्रैकर, और इस तरीके से आप इमेज भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। और अब हम एडिट पेज में आ जाते हैं और पूरी वीडियो अच्छे से देखते हैं, और अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। अब देखो और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, कोई डाउट है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, उसकी डिटेल मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जो कि हमारा 30 डेज का कोर्स होता है, जहां पे आप 1-to-1 मुझसे डायरेक्ट बात करके अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, वीडियो एडिटिंग में आ रही है और शूट करने में कुछ इशू आ रहा है और आपको कैमरा के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना है, तो सारी चीजें ही हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। और ये कोर्स हर महीने की 1 तारीख से शुरू हो जाता है और पूरे मंथ चलता है, तो आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। सारी चीजें हम व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ में आ गया कि ट्रैकिंग कैसे करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।